आप तमाम नाज़रीन का HKN न्यूज़ में इस्तकबाल है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद फातिमा नगर में मियां भाई बावर्ची नामी शख्स की नाश मस्क शुदा हालत में उन्हीं के मकान से दस्तियाब हुई। फलकनुमा पुलिस ने इस मामले का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने बताया कि मरने वाले शख्स गुज़िश्ता कुछ महीनों से अपने अफराद ख़ानदान के साथ नहीं रह रहे थे बल्कि अकेले ही रहते थे। मुकामी लोगों ने मकान से गंदी बदबू आने की वजह से पुलिस को इसकी इतला दी। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुँच कर नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इसकी इतला उनके घर वालों को दी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीक की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज दोपहर में 3:30 बजे पुलिस स्टेशन फलकनामा को एक इंफॉर्मेशन आ गया तो फातिमा नगर में रहने वाले मियां भाई बावर्ची काम करते उनके घर से बाहर बो आ रही बोल के हमें इंटीमेशन मिला। इमीडिएटली हम लोग इधर आ गए आके वो डोर ओपन करके देखे तो मियां भाई नाम है इनका, बावर्ची है, 68 ईयर्स है। इन्होंने गुज़िश्ता 8 महीनों से इनके फैमिली से अलग होकर इन्होंने सिंगल रह रहे इधर। शायद इन्होंने दो तीन दिन पहले इनका इंतकाल हो चुका है। बॉडी डिकम्पोज स्टेज में है, वो बो आ रही थी, वो पब्लिक के कॉम्प्लेक्स से आए देखे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मार्चरी शिफ्ट करे। उनके वाइफ के पास कॉम्प्लेट लेकर केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। थैंक यू।